हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। पहले मैं ये यूनिकॉर्न डेक से देखती हूँ क्या एनर्जी आती है। देखिए, आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर चुप है, मतलब करंटली ये करंट सिचुएशन भी कह लो, करंट अपडेट भी है, और आपका जो पार्टनर है अगर वो इस रिश्ते में चुप है, मतलब आपको कोई जेस्चर नहीं दिखा रहा, कोई एक तरह से लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो इसका क्या कारण है? देखो, मुझे मेरी इंट्यूशन ने गाइड किया है कि आपके पार्टनर आपकी लव लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में। ओके, देखिए कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। कार्ड्स हमारे पास तीन आ गए हैं आपकी एनर्जी के। देखिए, जैसा कि मैंने बोला था ना, बिल्कुल वैसे ही कार्ड आए हैं। पहला कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन, दूसरा आया है मूविंग, तीसरा आया है मिस्ट्री। ठीक है, मतलब जो ये आपका कनेक्शन जो है, जो ये आपका लव कनेक्शन है, एक मिस्ट्री बना हुआ है आपके लिए। मिस्ट्री मतलब कैसे बना हुआ है वो हम आगे टैरट डेक से भी देखेंगे। देखो, मिस्ट्री क्या होता है? मिस्ट्री का मतलब होता है कि जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं कि कब वो क्या क्या रूप ले लेगी, वो होती है मिस्ट्री। ठीक है, कि हमें उस चीज़ का पता ही नहीं है कि वो आगे जाके ये रिश्ता क्या रूप लेगा, या कोई रूप लेगा भी या नहीं लेगा, या सामने वाला हमें कोई एक एक स्टेबिलिटी को, तो चलो छोड़ो, क्लियरेंस भी देगा या नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये इंसान आपको एक झटके से ये कहता है कि भाई ठीक है, इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। कभी ये आपको ब्लॉक कर देता है, कभी ये आपको अनब्लॉक कर देता है। ठीक है, मतलब आपके लिए ये रिश्ता जो है एक मिस्ट्री सा बना हुआ है। ठीक है, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ठीक है, आपका जो आप किस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो ये अनचाहा, अनजाना, ठीक है, द अनएक्सपेक्टेड अवेट यू, मतलब आप क्यों उस इंसान का वेट कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे आपको लग रहा है कि सामने वाला जो है एक मिस्ट्री बना हुआ है आपके सामने, फिर भी आप उसका वेट करी जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारे पास, देखिए आपके लिए 21 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर और 1 नंबर, 19 नंबर सिग्निफिकेंट हैं ये आपके। देख लीजिए कैसे कैसे आपके साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। देखिए, मूविंग का क्या मतलब है? मूविंग का मतलब क्या है कि चेंज इज हैपनिंग। यहाँ पे मूव का मतलब ये नहीं कि आप रिश्ता छोड़ के निकल जाओ या जल्दी से इस इंसान को धक्का मारो और इसको बाहर निकाल दो, ये नहीं है। यहाँ पे मूविंग का मतलब है चेंज इज हैपनिंग, चेंज होगा, सो बी प्रिपेयर्ड, आप अपने आप खुद को प्रिपेयर्ड कीजिए टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। वाह, क्या बात है! मतलब आप ये, आपने ये चीज़ नोट करना है कि ये कनेक्शन, ये सामने वाला अगर आपको ऐसे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, मिस्ट्री बना हुआ है, ना मूव ऑन होने देता है, ना हुआ है। ठीक है, अगर आपका ऐसा कनेक्शन है, कहीं तो देखो मूविंग का मतलब कहीं ही तो इस रिश्ते से मूव ऑन हो ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो कहता है चेंज तब आएगा जब आप चाहेंगे। ठीक है ना, अब एक वो, जैसे मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ, शायद आपने सुना होगा कि एक बंदर होता है ना, बंदर, उसका बच्चा मर भी जाता है फिर भी वो उसको साथ चिपका चिपका के घूमता रहता है। तो अगर आप उस मरे हुए रिश्ते को, जो ख़त्म हो चुका है, या सामने वाला आपको ऐसा शो कर रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, या चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तो ये आपने देखना है कि चेंज तो तैयार है होने के लिए, लेकिन आप उसको करना चाहेंगे तभी तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। मान लो मैं कहती हूँ चलो वो मूव ऑन भी नहीं हो रहा, आपकी लाइफ में ही है,
दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर कहते हैं ना जो इंसान हमारा है वो आपका है, वो आपकी लाइफ में फिर दोबारा आ जाएगा, ठीक है ना। जो कहते हैं ना, जो उस कुदरत ने आपके लिए लिख दिया है, जो चीज़, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे कोई मटीरियल थिंग है, वो आपको मिलके ही रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पे लिखा है चेंज इज़ हैपनिंग, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चेंज लाना चाहते हैं या नहीं चेंज लाना चाहते। आप देखो कि आपको रिश्तों में बार बार अगर चोट पहुंच रही है, सामने वाला आपके जज्बात को बिल्कुल नहीं समझ रहा है, तो आपने ये चीज़ देखनी है ना कि आपने उसको छोड़ना है। कहते हैं ना दांत होता है ना हमारा, मुंह में सड़ जाता है, कितने सालों से हमने उसको मुंह में रखा हुआ है, उससे हम खाना खा रहे हैं, लेकिन जब हमें वो दर्द करने लगता है तो हम उसको भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, जाते हैं फटाफट डॉक्टर के पास, वो निकाल देता है। लेकिन तब तक उसको मुंह में रखी रखते हैं जब तक वो हमारा, मतलब जब तक वो पूरी तरह ख़राब सड़ नहीं जाता या बहुत ज़्यादा ही तंग नहीं करने लग पड़ता। तो अगर ये आपने देखना है कि इसको चेंज करना है, अगर तो ये बहुत ज़्यादा आप तंग हो गए हैं इस तरह की घुटन में कि आपको एक इंसान ने मतलब एक मिस्ट्री सा बना हुआ है आपका कनेक्शन, मतलब ना चाहते हुए भी आप उस इंसान को सोच रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको एक ना तो कभी पॉजिटिव बता रहा है, ना कुछ नेगेटिव बता रहा है, ना आपकी लाइफ से जा रहा है, ना आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और इस मिस्ट्री से आप जो हो अपने आप से, मतलब एक तरह से तंग हो गए, आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। तो ये आपको देखना है कि आपने मूविंग ऑन होना है या नहीं, आपने मूव करना है या नहीं। अब देखो यहाँ पे मूविंग का क्या, मूविंग मतलब हो रहा है, क्या मूविंग हो रहा है। मे भी देखो ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि एक इंसान जो है, मे भी हो सकता है उसके लिए भगवान ने कोई और अच्छा जो है सोच रखा है, या फिर आपका जो पार्टनर है अगर वो ऐसे जेस्चर दिखा रहा है तो क्या पता वो मूव हो रहा है, क्या पता आप जो हो, मतलब आपकी एक तरह से आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप जिस चीज़ को ये सोच रहे हो ना कि ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्या पता भगवान उस तरीके से आपकी अवेकनिंग करवा रहा है, आपके लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो अच्छे इंसान है वो आपकी लाइफ में जल लाना चाहता है। तो इस तरह से आप इस गाइडेंस को लें। मैनिफेस्टेशन, देखिए मैनिफेस्टेशन क्या होती है, ये यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आके आपको ये बता रहा है कि जो चीज़ आप बोलोगे, जिस एनर्जी में आप रहोगे, वही मैनिफेस्ट हो जाएगी। आज मेरा मन किया कि गाइडेंस पहले ली जाए, तो मैंने गाइडेंस पहले ली कि गाइडेंस क्या हो, क्या क्या एनर्जी निकल के आती है मेरे व्यूवर्स के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे यही एनर्जी पिक हो रही थी कि मेरे व्यूवर्स जो हैं परेशान है ऐसे रिश्ते से, ज्यादातर लोग। तो यहां पे आपको गाइडेंस मिल रही है कि मूविंग होना मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। देखो आगे बढ़ना खाली ये नहीं होता कि किसी प्यार से ही आगे बढ़ना या किसी इंसान से ही आगे बढ़ना। मूविंग का मतलब कैसे आपने प्रोग्रेस करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। चेंज हैपन होगा, चेंज होगा, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड है मैनिफेस्टेशन। जैसा कि मैं बोल रही थी कि जो चीज़ आप सोच रहे हो, जो चीज़ आप मान लो एक कैसी एनर्जी में हो कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, तो मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो आप, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरा तो हमेशा ही ऐसे दिल टूटता है, मुझे तो लोग ऐसे ही हमेशा बुरा बताते हैं। इन्हीं चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया। अगर आप दुख में हो तो आप दुख को ही मैनिफेस्ट कर ही जा रहे हो, और दुखी 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 रह के। परेशानी हर एक के जीवन में है, कभी अपने आप को, कभी कहते ना अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ों में रहो, अच्छी अच्छी एनर्जी में रहो, ताकि वही मैनिफेस्ट हो। आपका दिल करता है आप बाजार जाओ, आपका दिल करता है आप तैयार हो। अब जैसे मैं कभी आईज मेकअप नहीं करती, आज मेरा दिल किया कि मैं आँखों में काजल लगाऊँ, मैंने लगाया, चाहे कोई कहे कि मैडम आज क्या बन के आई, मैं मेरे को अच्छा लगा मैंने किया, समझ गए। कभी आपका दिल करता है आप सिंपल रहो, आप सिंपल रहो, जैसे आपको खुशी मिलती है आप वो करो, वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी।
आप कोई लड़की है कोई लड़का है आपकी लाइफ से चला गया, आप रो रहे हो, आप उसके लिए सोच रहे हो, मैं मानती हूँ दिल से नहीं निकलता, दिल से नहीं निकलता, लेकिन हमें ना अपने दिल को एक खिलौना देना पड़ता है, उसको और चीज़ों में लगा के उसको डाइवर्ट करना पड़ता है, तो ताकि हमारे जीवन में, क्योंकि हमने ये टेक्निक मैनिफेस्टेशन सुनने से खाली नहीं होगा, मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये, कई लोग मेरे को कहते हैं मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, मैं डेली ये मैनिफेस्ट, अरे मैनिफेस्ट तो कर रहे हो लेकिन एनर्जी क्या है तुम्हारी, आप अपनी एनर्जी को भी तो चेंज करो, एनर्जी तभी चेंज होगी जब अपने आप को बिज़ी रखोगे अपने कामों में, जो डेली रूटीन के बहुत से काम होते हैं जीवन में, आप उनमें अपने आप को बिज़ी रखोगे। चलिए अब हम मेजर अरकाना से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें करंटली जो है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, अगर इनका पार्टनर जो है चुप है, मतलब कोई एक मिस्ट्री सा बना हुआ है, जैसा कि हमें एनर्जी और एकल ने बता दिया है कि ये इंसान एक मिस्ट्री बना हुआ है, तो क्यों बना हुआ है, हेरोफेंट मैरिड है ये इंसान, या इसकी कहीं और मैरिज हो रही है, या मैरिड है, या आप मैरिड हो, हेरोफेंट का ये भी कार्ड हमें दिखाता है कि मे भी हो सकता है उसका रिलीजन अलग है, आपका रिलीजन अलग है, उसको नहीं लगता कि रिश्ता आगे निभ पाएगा, इसलिए वो चुप है। या फिर वो इंसान इतना ऑर्थोडॉक्स है, उसको लगता है कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता, मैं नहीं सामने वाले को कमिट कर सकता, मुझे नहीं है कि उसमें बाउंड होके रहना है। कई बार हमारी मजबूरियां हम खुद होते हैं, हमारा नेचर होता है, क्या पता आपके पार्टनर का नेचर ही ऐसा है कि उसको नहीं रिस्ट्रिक्शन में रहना, उसको खुले आसमान में घूमना है, उड़ना है, इसलिए वो खुद को बाउंड नहीं करना चाहता, इसलिए आपको आप देखो ना, जब इंसान सामने वाले को लगता है जब मैं ज़्यादा घुल मिल जाऊँगा, जब ज़्यादा हमारी बात हो जाएगी, इमोशन अटैच हो जाएंगे, मैंने सामने वाले को कमिटमेंट देनी पड़ेगी, शायद वो इसलिए पीछे हट रहा है, या चुप हो रखा है, या खुद में, देखो कई बार क्या चुप हो रहा है, कई बार इंसान अपनी भावनाओं से परेशान है, क्या पता वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, उसने अपने आप को डिटैच कर लिया, हर्मिट मोड में कर लिया, हर्मिट का कार्ड दिखा है मुझे। चाहे आपका कितना भी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो, मस्कुलर एनर्जी हो, फेमिनिन एनर्जी हो, आपने उसको बहुत गिव किया है, कई बार इंसान ये भी तो देखता है कि सामने वाला मुझे, कहते हैं ना ओ के, क्या कि पंजाबी में एक कहावत है, कहते हैं भांडे का मुंह खुला तो कुत्ते ने भी शर्म आ जाती है, तो सामने वाले आप इतने गिविंग हो, उसको भी शर्म आ रही है कि मैं कब तक लिए जाऊँगा, मुझे भी तो सामने वाले के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, आज वो गिविंग है तो मुझे भी गिविंग करना पड़ेगा, और वो नहीं कर पा रहा है, चाहे वो कारण उसका अपना नेचर है, चाहे उसकी फैमिली है, चाहे उसका शादीशुदा होना है, इसलिए वो चुप है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो जानना मेरे व्यूअर्स जो हैं जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर जो हैं एक मिस्ट्री से बने हुए हैं इस रिलेशनशिप में और चुप हैं और मूविंग ऑन नहीं हो पा रहे हैं मेरे व्यूअर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, जो बात शायद मैंने आपको पहले कही थी ना, क्योंकि मुझे डिवाइन पहले ही बता देती है कि ये एनर्जी है और ये कुछ होने वाला है और ये आपकी सिचुएशन चल रही है और आप ऐसे गाइड करो। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको आके ये दिखा रहा है कि अगर वो इंसान चुप है, ठीक है, कुछ टाइम पहले आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आप एक दूसरे के लिए प्यार में डूबे हुए थे, रोज टेक्स्ट, रोज मैसेज, रोज कॉल, रोज आपको इधर उधर जाना है, लेकिन आज वो इंसान चुप है तो कोई कारण है ना चुप है। एक चीज, अगर आप सेकंड थिंग क्या हो सकती है, अगर आपने इस रिश्ते में बहुत गिव किया है, सामने वाले को अपना सच्चा प्यार दिया है, तो भैया वो पूरी दुनिया घूम के भी आपके पास ही आना है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा, वो समय का पहिया घूम के फिर वहीं आता है। या हो सकता है अगर इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके साथ कोई थर्ड पार्टी आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चल गया, तो उसने भी तो अपने कर्मा जो है कर्मा फेस करने हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कर्मा फेसिंग को दिखाता है, ये हिसाब किताब भी तो पूरे करने पड़ते हैं बेटा। अगर कोई आपको दुख देता है या आप किसी को दुख देते हो, तो आपको उसका वो चुकाना पड़ता है, समय का पहिया घूमता है,
समय बार बार उन उन चीज़ों को हमारे सामने ला देता है। अगर आज मैंने किसी का दिल दुखाया तो मेरे सामने भी आने वाला है। अगर मैंने किसी को फॉर ग्रांटेड लिया तो मुझे भी कोई फॉर ग्रांटेड ले सकता है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या पता आपका पर्सन कोई कर्मा फेस कर रहा है। जब तक इंसान, कहते ना, जब तक अपने आप नहीं, अपने आप को दुख नहीं होता ना किसी, कहते ना को ना जाने पीर पराई, इंसान को अपनी पीड़ा ही पता लगती है, दूसरे की पीड़ा कभी नहीं पता लगती। तो दूसरे की पीड़ा वो ऊपर वाला पीड़ा को एहसास दिलाता है, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून घुमाता है, वो जैसे कहते नहीं वो चक्रधारी चक्र घूमता है, भगवान का चक्र घूमता है कि तुमने सामने वाले को दुख दिया था बेटा भुगतो तुम भी। तो मे भी हो सकता है आपका पर्सन कार्मा फेस कर रहा है। आप सोच रहे हो वो आपसे नाराज़ है, क्या पता उसकी सिचुएशन ही ऐसी है, वो कोई कार्मा फेस कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से वो आपसे डिटैच होना चाहता है कि इधर भी इमोशंस, इधर भी मैं तंग हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बता रहा है। और एक ये बात देखो, एक कार्ड बहुत सी चीज़ें बताता है, मैंने आपको कई बार बताया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये बता रहा है कि अगर वो पर्सन आपका है जिसको आपने अपना 100% दिया है, वो इंसान घूम फिर के फिर आपके पास एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ जाएगा अगर वो आपका है। और अगर वो वाकई ही एक बुरा है या आपके साथ उसकी एनर्जी मैच नहीं करती या आपका वो कोई कनेक्शन नहीं है डिवाइनली गाइडेड, तो वो इंसान चला जाएगा आपकी लाइफ से। और अब आपको भी वो ऊपर वाला इतनी शक्ति दे देगा, आप भी मूव ऑन हो जाएंगे, आप भी मूव हो जाए, या तो उस रिश्ते से मूविंग ऑन हो जाएंगे, और उस रिश्ते से मूविंग ऑन हो जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ मूव ऑन हो जाएंगे। वर्ल्ड का कार्ड ये भी दिखाता है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो आपको, कहते हैं, रंक को राजा बना देता है। तो मे बी आप उस प्रोसेस में चल रहे हैं या कि आप रंक से राजा बनने वाले हैं, या आप जो आज का आपका करियर कुछ नहीं है, कल आपका करियर बहुत शाइन करने वाला है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये बताता है कि जो इंसान आपका है ना वो आपके पास ही आएगा। क्या पता अभी वो इसलिए चुप है कि वो कोई कार्मा फेस कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में कोई तूफान आया हुआ है, उसकी ज़िंदगी में कोई फाइनेंशियली ट्रबल चल रहा है, उसकी लाइफ में, मैं कहती हूँ चाहे कोई ट्रबल भी नहीं चल रहा भैया, अभी वो खुद अपने आप में ही वो है, उसको अकेला रहना है, उसने अपने आप को हर्मिट मोड में डाला हुआ कि मुझे नहीं बात करनी। जैसे उसमें कार्ड आया ना कि चेंज विल बी हैपन्ड, मतलब चेंज तो होगा ही, लेकिन कैसे होगा ये आप पर डिपेंड करता है, आपने लाना है वो चेंज अपने अंदर। कि चीज़ें अगर आपसे छिन भी जाएं, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कुछ भी है, अब मुझे कई लोग कहेंगे मैडम आप गुस्से में हो जैसे बोल रहे हो, ये कहते मैं नहीं बोलती, वो बुलवाता है ऊपर वाला, क्योंकि मुझे आप इस एनर्जी में नज़र आ रहे हो, मुझे आपको, कहते ना सोए हुए को ऐसे ऐसे करके जगाना पड़ता है। मैं खाली एक टैरट रीडर नहीं अपने आप को समझती, मैं ये समझती हूँ कि भगवान ने मुझे इतना पवित्र काम दिया है कि मुझे औरों की सोल को जगाना है जो सोई हुई है। मतलब मैं अगर करोड़ों अरबों वाली भी भगवान का थैंक्स करूँ ना कि उसने मुझे मैसेजर बना दिया, उसने मुझे इतना बड़ा काम दे दिया। मेरी उम्र कोई भी है लेकिन मुझे अपने व्यूवर्स छोटे छोटे बच्चों की तरह नजर आते हैं, जो किसी के जाने से रो रहे हैं, किसी के आने से हंस रहे हैं। इतना अपने आप को डिप्लीट मत करो, आपको कोई छोड़ के जा रहा है भैया, वो आपको आपसे मिला रहा है, वो इसलिए आपको छोड़ के जा रहा है, उसको जाने दो। क्या पता उसके जाने से आपका मुकद्दर जो है आगे जा रहा हो, बहुत आपको दुनिया में आगे बढ़ना है। और फिर क्या पता वो कोई कर्मा फेस कर रहा है। कहते ना धोखे का बदला धोखा है, धोखा खा रहा है ना जो, वो उसको तो फिर भी तसल्ली है कि सामने वाला मुझे धोखा दे गया, लेकिन जो धोखा दे रहा है वो संभल के रहे, समझ गए ना, क्योंकि उसको कर्मा फेस करना है, इसलिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया। चलिए नेक्स्ट, भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स का पार्टनर क्यों चुप है। आपने शायद सुना, कहते हैं मंदिर मस्जिद तोड़ो, एक प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, क्योंकि उसमें रब बसता है, ऊपर वाला बसता है सच्चे दिल में। कहते नहीं हमारे अंदर उस अल्लाह ताला, उस भगवान, उस जीसस का अंश है।
हम कहते ना गुरुद्वारे चले गए, मंदिर चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, वो ऊपर वाले को मनाने के लिए। ऊपर वाला किस पे मानता है? कहते हैं सच्चे दिल पे साहेब राजी, आपका सच्चा दिल दिखता है। क्या पता वो आपका सच्चा दिल को और निखार रहा है, क्या पता वो आपकी जो जो पर्सनैलिटी है उसको उभारना चाहता है, इसलिए वो आपको डिटैच कर रहा है कि जाने दो साला जो जाता है जिंदगी से। एम्प्रेस, मेरे व्यूअर्स एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। एम्प्रेस मतलब साक्षात देवी की एनर्जी, जिसमें हर चीज़ दी। आपने देवी की कोई फ़ोटो देखी होगी, जैसे इंडियन माइथोलॉजी में उसमें दिखाया ना कि देवी की कितनी सारी बाजुएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि देवी ऐसी हैं कि उनकी इतनी सारी बाजुएं हैं, नहीं, उनमें वो सारी शक्तियां हैं जिससे वो इतनी खूबसूरत है। हम उनको सारे माँ माँ कह के पुकारते हैं। तो अगर आपने एक इंसान को अनकंडीशनल और 100% दिया है, तो वो सारी दुनिया घूम के भी आपके पास आ सकता है, क्योंकि उसको वो और कहीं, वो कहीं मिलने वाली ही नहीं है वो चीज़, वो पवित्रता, वो सोल टच, वो कहीं मिलने वाला ही नहीं है। लस्ट तो उसका कहीं भी पूरा हो सकता है, आपका भी हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कार्ड है? एम्प्रेस का कार्ड, मींस मेरे व्यूअर्स जो है एम्प्रेस की एनर्जी में है और डिवाइन। और देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ही आया है, और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ही आया है। कितना अच्छा देखो मैसेज, कि अगर आप आपने गिविंग किया है तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आपके साथ, क्या पता आपका पार्टनर ही भगवान उसको इतना अवेकंड कर रहा है, उस वो कार्मा फेस कर रहा है कि वो कल फेमिनिन एनर्जी में आ जाए, कल वो उसको एम्प्रेस बना रहा है, उसको उस एनर्जी में बना रहा है जिसमें आप पास्ट में थे। क्या पता इसीलिए भगवान ने आपको उससे दूर किया है, वो चुप्पी साधे हुए है, या किसी तरह का आप लोगों के बीच में एक डिस्ट्रैक्शन आया हुआ है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। पता नहीं कोई बहुत रोया है तो मेरे भी आंसू निकल गए, क्योंकि मैं एनर्जी पिक करती हूँ ना। चलिए भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स का पार्टनर क्यों चुप है। द फूल, न्यू बिगनिंग, या तो इसी पर्सन के साथ ही आपकी न्यू बिगनिंग होगी और ये एक अच्छा बन के आपकी लाइफ में आएगा, या फिर द फूल जो आपके लिए बना है वो आपकी लाइफ में आएगा न्यू बिगनिंग करने के लिए, जो आपका मैच है, ठीक है जी। तो अगर आप जिंदगी से हताश हो गए हैं, या आप आपको लग रहा है कि आपकी दुनिया ख़त्म होगी, आपका पार्टनर चला गया है, तो बी ब्रेव। लोगों के हार्ट टूट जाते हैं भैया, एक मिनट में इंसान बाइक से गिरा तो उसको चोट लग गई, उसकी टांग पर चोट लगी, हाथ पर, यहाँ ये तो दूसरा कोई इंसान है, तो दूसरा ही ना, तुम्हारे साथ जुड़ा तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अच्छे के लिए हुआ है आपके लिए। कहते दाग अच्छे हैं, तो कुछ बुरा हुआ है तो आपके अच्छे के लिए हुआ है, तो अपने आप को मजबूत बनाओ। कहते चेंज हैपनिंग, चेंज होगा, लेकिन कौन करेगा? आप करोगे। मूव, मूविंग क्या चीज़ है? मूविंग क्या कहते ना, आप आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि आप अपनी जो बुराइयां हैं, आप बिना बात पे सोचते रहते हो, ये आपकी बुराई है। जब उसको ख़त्म करोगे, जाने दोगे, ये मूविंग का मूविंग कहते ना, एक चीज़ पे पता नहीं कितना बोला जा सकता है। ये मूविंग ये भी बताता है कि अगर आप में कोई बुरी आदत है, मान लो आपने किसी का दिल दुखाया मेरे व्यूअर्स ने, क्योंकि देखो व्यूअर्स भी गलतियां कर सकते हैं और उनके पार्टनर भी गलतियां कर सकते हैं, तो आपको भी अपनी वो हैबिट चेंज करनी है, आप में भी अपने अंदर एम्प्रेस वाली एनर्जी लानी है, गिविंग बनना है, चुप रहना है। ज़रूरी नहीं कि शब्द बेदी बाणों से दूसरे को आप आघात पहुँचा दो, नहीं, बोल के चीज़ें बिगड़ती हैं, चुप रह के सॉल्व होती हैं। बोलो वहाँ जहाँ पे आपको सामने वाले आपसे क्लैरिटी मांग रहा है, आप उसको क्लैरिटी देते हो, वहाँ बोलो जहाँ पे आपका बोलना वर्दी है। पहले तो आप क्या करते हो, जब रिश्ते में जाते हो, थोड़ा सा क्लोज हुए, सामने वाले ने आपको इम्पोर्टेंस देनी शुरू की, आप और ही सिर चढ़ जाते हो, फिर आप बिल्कुल ही ऐसे बन जाते हो जैसे आप उसकी पत्नी हो या वो आपका पति है, और वो सोचने लगता है ये मेरी पत्नी है, तो ऐसे एक दूसरे को डांटना और चिल्लाना शुरू कर देते हो, आपका जमाना शुरू कर देते हो, उससे क्यों बोली, तू वहाँ क्यों गई, तू वहाँ क्यों गई। जब सामने वाला आपको निकाल के बाहर फेंक देता है, तब
या आप उसको इतनी पहले जली कट्टी सुना देते हो और फिर बाद में रोते हो कि वो चला गया, वो तो मेरे से बात ही नहीं करता। आप अपने पे ये चीज़ खुद पे लेके देखो, जब आप किसी अच्छे मूड में नहीं होते तो सामने वाला अगर आगे से चुप कर जाता है तो आपको कितना अच्छा लगता है कि देख मैं इसको गलत भी बोली लेकिन ये चुप कर गया, कुछ बोला ही नहीं या बोली ही नहीं। ऐसे ही जब सामने वाला आपका कोई भी पार्टनर है, कोई भी रिश्ता है, जब चाहे माँ बाप ही हैं आपके, अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं या कई बार अननेसेसरी भी बोल रहे हैं तो आगे से चुप कर जाओ। कहते ना सहन शक्ति, सहन के पीछे शक्ति क्यों लगा है, क्योंकि जो सहन कर जाता है वो अपनी शक्ति को बचा लेता है। चलिए बहुत आज जो हो गया लेक्चर, पता नहीं आज ना कोई बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही थी कि मेरे व्यूअर्स बहुत बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। देखिए एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कोई इंसान जो आपको लेके बहुत पैशन रखता है, जिसके लिए आप एक दुनिया जहान की सबसे बड़ी खुशी हैं, वो इंसान आपकी लाइफ में जो आपके लिए वर्दी है। मे बी हो सकता है कोई इंसान आपके आपको आप किससे बहुत अट्रैक्ट है आपकी पर्सनालिटी से, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। या फिर ये न्यू बिगिनिंग, ये कोई स्टेबल न्यू बिगिनिंग है, ये कोई ऐसी बिगिनिंग नहीं है कि आपको छोड़ के चला जाएगा या आप उसको छोड़ के चले जाओगे। ये आपकी लाइफ में कोई आपके करियर से रिलेटेड न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, या देखो ये इंसान क्या है, बादलों में से निकल रहा है हाथ और वॉन्ड है, मतलब आपके अंदर की जो शक्ति, जो एक डिप्लीट हो चुके थे आप, या आप किसी एक इंसान में या एक सिचुएशन में अपने आप को स्टक थे, तो आप वहां से निकल रहे हैं। तभी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, आप स्टेबल हो रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए भी, मान लो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहां एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है। ठीक है जी, और भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या है, करंटली आ रहा है वाओ, नहीं वाओ नहीं, ये तो थोड़ा ओके। बॉटम का भी कार्ड देख लेते हैं, देखिए ये कार्ड है धोखा देने का, मक्कारी करने का, किसी को दुख पहुंचा के खुश होने का। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मे बी इन दिनों आपने अपने पर्सन को कुछ ऐसा बोला है कि उसको हर्ट हो गया, या फिर आपको उसने ऐसा बोला है कि आप हर्ट हो गए हो, या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसी ट्रबल चल रही है, या आपके पार्टनर की फैमिली में चल रही है, कि जिससे वो एक अपने आप को लुटा लुटा सा, या अपने आप को दुखी दुखी सा, या अकेला अकेला वो इंसान फील कर रहा है, या ऐसी इस एनर्जी में है कि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मुझे रिश्तों में जाना ही नहीं है। ये और ये उसकी फैमिली में ही, या आपकी फैमिली में, क्योंकि यहाँ से मेरा ये 10 of Pentacles का कार्ड मुझे मिला है कि मे भी हो सकता है फाइनेंशियली उसके करियर वाइज उसको कोई कुछ धोखा मिला है, कोई बैक स्टैबिंग हुई है, तो ये भी कारण हो सकता है कि वो इंसान चुप है। उसकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है आपस में, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, कई बार मतभेद बातों से होता है, और कई बार क्या होता है कि इंसान को फाइनेंशियली कोई ट्रबल आ गई है, या आपस में जो भी मनमुटाव भी हुआ है तो वो पैसों के कारण हुआ है, या फैमिली के किसी मेंबर के कारण हुआ है, या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा इस टाइप का वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में क्यों चुप है, क्योंकि वो फैमिली में भी उसके कोई मसला चल रहा है, या वो जो है अपने पैसों की वजह से परेशान है। क्योंकि देखो इतने लोग देखेंगे तो हर एक का अलग अलग सिनेरियो होता है ना, लेकिन आप ज़्यादा टेंशन मत लें, क्योंकि आपकी लाइफ में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आ रही है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, भगवान जी बताइए, मुझे बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बनानी है। नेक्स्ट एक्शन देखिए, नेक्स्ट एक्शन है कि अगर इस इंसान आप लेस कॉन्टैक्ट में हैं, या कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है, या तो ये सब आपकी भलाई के लिए हुआ है, क्योंकि अब आपको एक स्टेबिलिटी, एक नई ऑफ़र आपके सामने आएगी,
चाहे वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे आपके लव लाइफ से रिलेटेड, एक स्टेबिलिटी ला रहा है भगवान आपकी लाइफ में, कुछ लेके बहुत कुछ दे रहा है आपको, इस खुशी में रहिए। या अगर कुछ चीज़ें छिन गई हैं आपसे, तो वो भगवान आपकी लाइफ में, एक कहते हैं ना वक्त बदलते देर नहीं लगती, आज अगर गरीबी है तो कल पता नहीं इतना पैसा हो गया, आप संभालते संभालते थक जाओ। क्लेम करना इस बात को कि आज अगर आपके पास पैसा कम है, या मान लो फाइनेंशियली क्राइसिस है, मैं कहती हूँ आपको है या आपके पार्टनर को है, तो कल भगवान कहते हैं ना जिस तरह छीनता है उस तरह दे भी बहुत कुछ देता है। क्या पता आप किसी ऐसे मुकाम पे जाने वाले हैं, क्लेम कीजिएगा। कल आपको कोई ऐसा अच्छा जॉब मिलने वाला है, कोई ऐसा कहीं से फाइनेंशियली गेन होने वाला है, मे बी आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे घर बना हुआ है, क्या पता ये आपको एक सुंदर सा घर मिलने वाला है, क्या पता आप जिससे चाह रहे हैं उसके उससे आपकी मैरिज होने वाली है। ये कार्ड यही स्टेबिलिटी को बताता है, इस कार्ड जितना पॉजिटिव कार्ड है ये भी बहुत, सन के बाद यही सबसे पॉजिटिव पॉजिटिव कार्ड तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल देखिए ना, ये दिखने में कितना अच्छा कार्ड है। तो इसलिए आप अगर बहुत ज़्यादा किसी के जाने से या किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, और ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई स्पेल, ब्लैक मैजिक, कोई नज़र है, तो वो भी ख़त्म हो रही है, मूव हो रही है, तभी मूविंग का कार्ड आया ना। अब क्या आ रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, या आपकी जो क्या नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे कि ये है कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक न्यू ऑफर आ रही है, ये भी कोई नया इंसान भी हो सकता है, हो सकता है आपका कोई पुराना इंसान, या फिर जिससे आप लेस कॉन्टैक्ट में हैं वो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है, कुछ स्टेबल करना चाह रहा है, मे बी आपका जो ये एक रिश्ता है ऑफिशियल हो जाए, शादी हो जाए किसी की। एस ऑफ पेंटिकल बहुत चीज़ों को बताता है, ठीक है, किसी की शादी हो जाए, किसी को स्टेबिलिटी मिल जाए, किसी को अच्छा जॉब करियर इस्टेब्लिश हो जाए, जो आप चाह रहे हैं आपकी वो डिज़ायर पूरी हो जाए। एस ऑफ पेंटिकल, उधर से एस ऑफ वॉन्ट्स, बोथ आर वेरी पॉजिटिव कार्ड, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अगर आपके साथ कुछ थोड़ा बहुत बुरा हुआ है, चाहे किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई है, मनमुटाव हुआ है, या आपके साथ हुआ है या आपके पार्टनर के साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम उसकी भी एनर्जी दोनों का ही आपकी प्रेम का उसमें ही देख रहे हैं ना, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में करंटली। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते मैं एक बार एंजल से पूछ लूँ, एंजल जी प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर चुप क्यों हैं, अगर चुप हैं तो चुप क्यों हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और मेरे व्यूअर्स को भी गाइडेंस दीजिए। एंजल्स दे दिया उन्होंने, एंजल ने, एंजल बड़े अच्छे बेचारे, फटाफट जो को वही दे देते हैं। एक ही कार्ड है, मैं सोचा दो है। 33 नंबर देख लीजिए, आपकी एज हो सकती है 33 नंबर, 3366 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6 नंबर देखो जुपिटर, सॉरी उसका होता है शुक्र का, ठीक है, तो शुक्र क्या होता है, शुक्र जो है, मे बी यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनका होरोस्कोप में शुक्र जो है बल, उनको बल देने की ज़रूरत है उस ग्रह को, तो उसको कैसे बल दे सकते हो, आप अच्छा वेल ड्रेसअप होके रहो, गंदे गंदे कपड़े मत पहनो, अगर आपको परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं तो परफ्यूम्स लगाओ, तैयार हो, खुश रहो, ताकि आप ये सारी चीज़ें ना एक पॉजिटिविटी गेन करती हो, और हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। वाओ, देखो ये हैथर जो हैं एंजल, आपको क्या कह रहे हैं, सेलिब्रेशन, रीजेनुएशन, ग्रैटिट्यूड। वाओ, तभी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आया था कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, लेकिन आपको क्या देना है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देना है, जितना उस मालिक ने दिया, जितना उस भगवान ने दिया, उसका लाख करोड़ों बारी थैंक्स करो। आँखें दी हैं, दुनिया देख रहे हो, आज मेरी आंखें कमज़ोर हो गई ना, क्योंकि मैं 40 प्लस हो गई हूँ, मुझे ये बार बार इसको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना मुझे कुछ दिखता नहीं है, तब मुझे उस कुदरत के बारे में मैं सोचती हूँ कि देखो उस मालिक ने कितने प्रीशियस जो हमें चीज़ें दी हैं जिनको हम सोचते नहीं हैं। स्वाद ले लेके खाना खाते हैं, स्वाद ले लेके आँखों से इन सब दुनिया को देखते हैं ना,
तो जब ये मोहताज हो जाती हैं या तो हमें फील होता है कि ये कहते हैं ना नायाब चीज़ें उसने हमें दी हैं, उनके ग्रैटिट्यूड में रहिए तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगी, रीजेनरेशन आएगी कि जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं दोबारा से वो चीज़ें आ जाएंगी। तो हिम्मत रखिए। ओके व्यूअर्स, इसी मैसेज के साथ लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।